हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में मीमांसा ने जो है कुछ नया लेके आए हैं, और आज दशहरा का जो शुभ अवसर है, इस डेट पे समझ लीजिए कि मीमांसा आपके लिए जो है कुछ नया लॉन्च कर रहा है। और वो नया क्या लॉन्च कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, आपको वो बताएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे मीमांसा हैशटैग इंडियाज नंबर वन रिटन प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च कर रही है। ठीक है, तो ये जो है अभी इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि 399 = 90% क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मार्क्स इन बोर्ड, इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग जब देख रहे हैं कि ये इंडिया की ऑल ओवर इंडिया की ये इंडिया की पहली एक ऐसी रिटर्न टेस्ट सीरीज है जो मीमांसा लॉन्च कर रही है, और आज तक ये रिटर्न टेस्ट सीरीज किसी ने नहीं लॉन्च किया होगा। आइए इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में इसको हम समझेंगे और उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो ये मीमांसा की तरफ से एक बहुत बेहतरीन इनोवेशन किया गया है। ये समझ लीजिए कि सेशन 2023 और 24 में ये यहाँ पे एक टैगलाइन लिखा हुआ है 399 = 90%। इसके बारे में हम सबसे लास्ट में बताएंगे कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या है, इसका मतलब क्या है। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, ये प्री बोर्ड की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, और ये जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो ICSE हो, चाहे वो UP बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से रिलेटेड अगर कोई भी बच्चा क्लास 10th में या क्लास 12th में अगर बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है, तो उसके लिए सबसे बेनिफिशियल है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है, ये आपके हूबहू एज इट इज एकदम बिल्कुल से समझ लीजिए कि आपके प्री बोर्ड की तरह ही डिजाइन की गई है। अब ये जो है आज तक कभी किसी ने लॉन्च नहीं किया है, और इसको लॉन्च करने वाला ये समझ लीजिए कि इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड का ये मीमांसा ही पहली एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसने ये लॉन्च किया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने टैंक लाइन दिया है हैशटैग इंडियाज नंबर और रिटन प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज। ठीक, अब इसी में हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं क्या प्रोसेस है। यहाँ पे अभी आपको इस वाले सेक्शन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको मैंने कहा कि लास्ट में डिस्कशन करेंगे। देखिए, इस टेस्ट सीरीज की जो सबसे मेन चीज है कि आप बोर्ड से पहले 15 प्री बोर्ड परीक्षा देकर अपना रिजल्ट चेक करें। इसका मतलब क्या है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं कि सभी बच्चे ये जानते होंगे कि एक नीट नाम का कोई एग्जाम होता है कि नहीं होता है, और एक JEE नाम का कोई एग्जाम होता है। इसी तरीके से UPSC में, सिविल सर्विसेज में, ठीक है, IAS का एग्जाम होता है। ठीक है, और एज इट इज आपका जो है ऐसे PCS का भी एग्जाम होता है। इसी तरीके से आपके वन डे एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे UPSI, लेखपाल, कांस्टेबल, RO, बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई सारे इंस्टीट्यूट उसके लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं, और टेस्ट सीरीज क्या होता है कि उस पर जो बैकएंड में बैठी टीम होती है, उस टेस्ट सीरीज को ऐसे कोई नहीं लॉन्च कर देता। उसको लॉन्च करने का पर्पस क्या होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी संस्था ऐसी होती है तो सोचती है कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन हमारे वहाँ से फंसेगा, उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, आगे प्रोग्रेस करेंगे। इसीलिए इसमें इनोवेशन, अभी पहली बार जो इनोवेशन किया है, सेम जैसे नीट की एक टेस्ट सीरीज होती है, JEE की होती है, ISPCS की टेस्ट सीरीज होती है, उसी तरह बोर्ड के बच्चों के लिए मीमांसा ने पहली बार पूरे इंडिया में टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, और वो टेस्ट सीरीज है प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज। अब कोई भी बच्चा अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है, तो बोर्ड एग्जाम देने से पहले वो बच्चा क्या करेगा, 15 प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज दे के जाएगा, और वो जब पेपर में बैठेगा तो मुस्कुरा कर लिख के चला आएगा, चाहे सुबह नहाए या धोए या पूजा पाठ करे या मंदिर मस्जिद जाए या ना जाए, बिना नहाए धोए अपना सीधा अपना पेन उठाया और सीधे लिख के चलाया। क्यों? क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस होगा ऑलरेडी 15 प्री बोर्ड टेस्ट जो दिया हुआ। अब इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस ये है कि मीमांसा ने स्टार्ट किया आपको 23 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो गया। अब रजिस्ट्रेशन इसका 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया, इसका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का जो है वो 3 नवंबर रखा गया है, और एग्जाम की शेड्यूल जो है वो आपको अभी मैं शेड्यूल दिखाता हूँ, वो शेड्यूल कैसे है उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं उसको देखते हैं। तो 23 अक्टूबर से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, और ये 3 नवंबर जो है इस रजिस्ट्रेशन की इसकी क्या है, लास्ट डेट है। अब आइए आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये वाला सेक्शन अभी हम बाद में डिस्कशन करते हैं। अब ये पेपर का
पैटर्न कैसे होगा, आखिर पेपर होगा कैसे। तो सभी को पता है कि जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उस बोर्ड का पैटर्न को बिल्कुल ध्यान में रख के कहा गया है। तो यहां पे जो हमारे पैटर्न कहा गया है कि क्या क्या पैटर्न होंगे, पहली बात देखिए लिखा हुआ ऑल टेस्ट पेपर आर बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम पैटर्न। बोर्ड एग्जाम पैटर्न का मतलब जिस तरीके से कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड अपना पेपर बनाती है। सपोज दैट अगर हम मैथ का पेपर ले लें और यूपी बोर्ड में मैथ का पेपर अगर 70 नंबर का बन रहा है या 100 नंबर का बन रहा है, ठीक है, तो अगर 100 नंबर का बन रहा है तो 100 नंबर का बनाएंगे। अगर फिजिक्स का पेपर अगर 70 नंबर का बन रहा है तो 70 नंबर का पेपर बनाएंगे। जिस तरीके से बोर्ड हमारा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी को फॉलो करती है, उसी तरीके से एज एडिट पेपर बनेगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम होगा। जिस तरीके से आपके क्वेश्चन डिवाइड हैं कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होंगे, उसी तरीके से टाइम जो आपको दिया जाएगा ये 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा, जो बिल्कुल बोर्ड का टाइम होता है, आपको 3.25 घंटे टाइम दी जाती है। और ये पेपर आपका 70 मार्क्स का रखा जाएगा, 70 मार्क्स का। ये जो प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर मीडियम होगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए है और ये दोनों मीडियम में अवेलेबल होगा। इससे ये दिक्कत नहीं होगी कि कोई बच्चा कह रहा है कि सर हम हिंदी मीडियम के हैं तो हम पेपर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के होकर करें हम पेपर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन पेपर जो मीडियम होगा वो दोनों में होगा, हिंदी वाले बच्चे अपना हिंदी में आंसर लिखेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे अपना इंग्लिश में आंसर लिखेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो होगा ये फुली आपका एनसीईआरटी पैटर्न होगा, और एनसीईआरटी पैटर्न के साथ जो प्रेजेंट टाइम में लेटेस्ट सिलेबस आया है, सिलेबस बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूनिट है जो सिलेबस क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। और ये सारा का सारा सिलेबस जो आपके क्लास 11th और 12th के पूरी एनसीईआरटी में रिड्यूस किया गया है, वो सारे के सारे सिलेबस आपके नीट जेईई में भी क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया है। तो आपको डरने की, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ बिल्कुल एनसीईआरटी को लेके खड़े हुए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के साथ। और जब आप पेपर देंगे, पेपर देने के बाद आपका रिजल्ट विद इन अ वीक आपका क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अभी हम आपको बताते हैं कि आपके 15 प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज होंगे, तो 15 प्री बोर्ड रिटर्न टेस्ट सीरीज होंगे। इसमें क्या करना है कि आपको जब पहला प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज देंगे तो पहला प्री बोर्ड देने के बाद अभी बताएंगे कितने कितने दिन के गैप पे है, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट, जब आप पेपर लिखेंगे, पेपर लिखने के बाद हमारी टीम क्या करेगी कि इस क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करेगी, चेक करेगी, और चेक करने के बाद आपका फाइनली क्या करेगी, रिजल्ट चढ़ाएगी। और रिजल्ट जब आपको आएगा, अगर आपको लगेगा कि आपकी जो है कहीं ना कहीं कमियां हैं, तो उस कमियों को क्या करेंगे, हम लोग इंप्रूव करेंगे। और आगे यहां पे आते हैं कि आपके एग्जाम सेंटर जो है, हमारा जो कैंपस है, हमारे स्कूल्स भी हैं, तो उसको हम करेंगे, या अगर हमें मैक्सिमम बच्चा अगर किसी स्कूल से मिल जा रहा है, अगर किसी स्कूल के प्रिंसिपल या कुछ अगर कह रहे हैं कि सर आप हमारे यहां भी कंडक्ट करवा सकते हैं हमारे यही इसी सेंटर पे, तो हम वहां भी करवा सकते हैं। इस एग्जाम जो सेंटर सिटी है, लखनऊ है, बाराबंकी है, सीतापुर है, गोंडा है, इसी तरह बलरामपुर है, बहराइच है, पीलीभीत है, बरेली बनाया गया है, आगरा बनाया गया है, सिद्धार्थ नगर बनाया गया है, गाजीपुर बनाया गया है, रुदौली बनाया गया है। तो ये जो इंडिया की नंबर वन पहली टेस्ट सीरीज प्री बोर्ड की जो लॉन्च की गई है, इसके प्रेजेंट टाइम में 13 सेंटर बनाए गए हैं। और ये 13 सेंटर की खास बात है कि कोई भी बच्चा पूरे ऑल ओवर इंडिया का, ठीक है, अगर इसको ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर यूपी के बच्चे अगर स्पेशली अगर प्री बोर्ड के लिए अगर देखना चाह रहे हैं, यूपी बोर्ड प्री बोर्ड के लिए, तो यूपी बोर्ड प्री बोर्ड के लिए क्या कर सकते हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने नियरेस्ट सेंटर को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपना सेंटर डाल सकते हैं। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये 15 प्री बोर्ड कराया कैसे जाएगा, सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है कि कराया कैसे जाएगा। तो 15 प्री बोर्ड का हमने पैटर्न बता दिया कि वो पैटर्न क्या क्या होगा और क्वेश्चन कैसे होंगे और क्वेश्चन का प्रोसेस कैसे होगा, ये होगा। अब इसमें इस 15 प्री बोर्ड को हमने कैटेगराइज किया है फिजिक्स। देखिए भाई, फिजिक्स के आपके कितने टेस्ट होंगे, फिजिक्स के आपके जो टेस्ट होंगे वो टोटल कितने होंगे, 5 टेस्ट होंगे। इसी तरह के केमिस्ट्री के आपके कितने टेस्ट होंगे, 5 टेस्ट होंगे। इसी तरीके से आपके बायो वाले बायो के 5 टेस्ट देंगे, मैथ वाले अपने मैथ के टेस्ट देंगे। और इंग्लिश और हिंदी का हमने क्या रखा है कि मैक्सिमम बच्चा क्या होता है कि इंग्लिश में फेल होने के चांस होते हैं, इसलिए इंग्लिश के हमने 1, 2, 3, तो इंग्लिश के हमने कितने टेस्ट रखे हैं, 3, और हिंदी के आपके जो टेस्ट हैं वो कितने हैं, 2 टेस्ट।
अब इस टेस्ट को कैसे कराया जाएगा, ये टेस्ट जो है आपका 5 नवंबर को पहला टेस्ट स्टार्ट है, और पहला टेस्ट आपका क्या होगा, फिजिक्स होगा। पहला क्या होगा, फिजिक्स होगा। फिजिक्स के बाद हर हफ्ते में जो संडे की डेट पड़ती है, संडे के दिन क्या होगा कि हम इस टेस्ट को कंडक्ट करवाएंगे 5 नवंबर, 12 नवंबर, 19 नवंबर और 19 नवंबर। तो ये 19 नवंबर को हमारे दो पेपर होंगे, बायोलॉजी वाला अपना बायोलॉजी देगा, मैथ वाला मैथ देगा। उसी दिन हम क्या करेंगे, हिंदी या इंग्लिश करवा दिया करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि इस पूरे कितना 5, 10, 15, 20 कुल मिला के टेस्ट कितने होंगे, टेस्ट आपके कितने होंगे, क्लास 12th का अगर कोई बच्चा है तो वो हमारे साथ जुड़ के कितना टेस्ट देगा, 20 टेस्ट देगा। और इस 20 टेस्ट में उसके प्रॉपर हर एक टेस्ट की कॉपी चेक की जाएगी, और कॉपी चेक करने के बाद उसको रिजल्ट फाइनली अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये आपका क्या है, शेड्यूल है क्लास 12th के लिए, और क्लास 12th के बच्चे जो है अपना इस शेड्यूल को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो हमारे दिए गए इंक्वायरी नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक, अब इसी में हम लोग आगे आते हैं। हाँ, इसी तरीके से हमने क्या किया कि अगर क्लास 12th को लेकर चलेंगे तो 10th वाले भी बेचारे नए नए कल्ले होते हैं, उनको कैसे समझाएंगे, तो उनको तो और ज़्यादा डर होता है कि सर बोर्ड है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। जब हम लोग अपना बोर्ड देने जाते थे तो पहला पेपर हिंदी इसलिए रखा जाता है कि चलो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, हमारी क्या है, मातृभाषा है, और हिंदी को हम क्या करेंगे, इधर उधर एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हमने क्या किया है कि आपका जो साइंस है, साइंस में हमने यहाँ पे कितने टोटल 4 टेस्ट को डिजाइन किया है, मैथ में आपके कितने 4 टेस्ट डिजाइन है, और सोशल साइंस में आपके कितने टेस्ट हैं, 4 टेस्ट डिजाइन है, और हिंदी और इंग्लिश के आपके टोटल कितने हैं, 4। तो क्लास जो 12th है, क्लास 12th वाले जो देंगे वो आपके कितने 20 टेस्ट देंगे, कितने देंगे 20 टेस्ट है। लेकिन आप क्लास जो 10th का बच्चा है, उस क्लास 10th का बच्चा जो है वो आपका कितना 4×16 टेस्ट सीरीज देगा। ठीक है, अब ये टेस्ट सीरीज जो बच्चा देगा, मैं रियलिटी है गारंटी के साथ दावा ठोक के कहता हूं 90% प्लस लेके आएगा। कितना, 90% प्लस। क्यों, क्योंकि इसका क्वेश्चन पता है, ये समझ लीजिए कि बोर्ड से पेपर लीक हो गया है। क्या हो गया, बोर्ड से पेपर लीक हो गया। अब बोर्ड से पेपर लीक होने का मतलब है कि आप जब पेपर ये देके जाएंगे, और जिस दिन पेपर देने के बाद आप आएंगे, आप क्वेश्चन मिलाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, जो हमारे प्री बोर्ड टेस्ट डिजाइन किए गए इसी में से सारे के सारे आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये क्लास 10th का हमारा शेड्यूल है, और क्लास 10th के शेड्यूल में हम क्या करेंगे, साइंस। अभी इसमें हम बताते हैं कि साइंस के आपके जो टेस्ट हैं, ये चार टेस्ट किस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, क्योंकि इसका सिलेबस हमने लिख दिया। तो इतना याद रखना है, क्लास 12th का बच्चा जो भी देखेगा वो कितना, 20 टेस्ट, और क्लास 10th का बच्चा जो होगा उसके कितने टेस्ट होंगे, 16 टेस्ट होंगे। अब 20 और 16 टेस्ट को हम कैसे कैटेगराइज किए हैं, आगे आके दिखाते हैं इसको कैसे कैटेगराइज किए। अब यहां पे देखते हैं, फिर इधर आते हैं। तो यहां पे पहले हम आते हैं इसको बाद में अभी बताते हैं, उसके बाद हम आते हैं सिलेबस पे। ये आपका पूरा सिलेबस फॉर ऑल इंडिया प्री बोर्ड ऑफलाइन रिटर्न टेस्ट सीरीज होगी, और इसका सिलेबस आपको बताया गया है कि जो प्रेजेंट टाइम में जो सिलेबस आपका लेटेस्ट सिलेबस आया है वो आपका सिलेबस दिया गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर क्या ये पांचों टेस्ट होगा क्लास 12th का, ये क्या फुल लेंथ होगा, फुल लेंथ का मतलब पूरी बुक का आएगा, या आधी बुक का आएगा, या 2 चैप्टर आएगा, 4 चैप्टर आएगा, उनके प्रॉब्लम को हम अभी दूर कर रहे हैं। देखो, पहला टेस्ट फिजिक्स का 5 नवंबर को है। अब 5 नवंबर का जो पहला टेस्ट फिजिक्स का है, जब आपको ये प्रॉस्पेक्टस मिलेगा बच्चा, तो इसको बड़ा ध्यान से देख लेना क्या लिखा हुआ। टेस्ट नंबर 1, केमिस्ट्री का टेस्ट नंबर 1, बायो का टेस्ट नंबर 1, इंग्लिश और हिंदी का टेस्ट नंबर 1। अब इसको हम समझाते हैं कि ये कैसे है। ठीक, यहां पे देखना है आपको कि अगर फिजिक्स का जिस दिन 5 नवंबर को टेस्ट होगा उसमें कितने चैप्टर या कितने यूनिट्स आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 5 हैं, तो 5 में से जो यूनिट पहले टेस्ट में यूनिट पहला पूछा जाएगा, और यूनिट दूसरा पूछा जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और आपका पूछा जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिज्म। मतलब पहला जो टेस्ट होगा 5 नवंबर को पहला जो टेस्ट होगा उसमें से आपके खाली 3 यूनिट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो बिल्कुल एज इट इज बोर्ड की तरह 57 नंबर के पेपर बनाए जाएंगे। क्लियर। अब उसके बाद क्या होगा, जब हम फिजिक्स का दूसरा टेस्ट लेंगे, क्योंकि फिजिक्स के कितने टेस्ट डिजाइन है,
5। अब इस 5 में से पहले हमने क्या किया कि पहले टेस्ट में हमने 3 मिनट आपको पूरा स्ट्रांगली तैयार कर दिया जबरदस्त, ठीक है, और वहां से हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए जो आपके बोर्ड में सीधे समझ लीजिए कि एज इट इज आ जाएंगे क्वेश्चन। अब जब हमारा दूसरा फिजिक्स का टेस्ट होगा तो इस दूसरे फिजिक्स के टेस्ट में हम क्या करेंगे, ये हो क्या रहा है तो दूसरे फिजिक्स के टेस्ट में हम क्या करेंगे कि दूसरे फिजिक्स के टेस्ट में हमने रखा है यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द अल्टरनेटिव करंट, क्योंकि यहां पे ये नंबर लिखा हुआ 2, और उसके बाद में आपका चैप्टर आता है यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और आता है आपका ऑप्टिक्स, ठीक है। तो पहले टेस्ट में हमने कितने यूनिट कवर किए, 3, और दूसरे टेस्ट में हमने कितने यूनिट कवर किए, 3। कुल मिला के 2 टेस्ट में हमने कितना यूनिट तैयार कर लिया, 6। क्लियर। इसी तरीके से जो हमारा तीसरा टेस्ट होगा, तीसरे टेस्ट में खाली जो है आपका यूनिट 6 के बाद जो 7वां आता है, क्योंकि ये सेक्शन बी का पार्ट है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसका मतलब हम 3 टेस्ट में फिजिक्स के हम 3-3 यूनिट करके क्या कर लिए, पूरा समेट दिया, और कैसे, बिल्कुल एज इट इज बोर्ड पेपर की तरह, ठीक है। अब अभी तो आप लोग सोच रहे होंगे सर अभी 2 टेस्ट बचा, उसमें क्या खेलेंगे गेम, उसमें गेम ये खेलेंगे कि जो आपने 1 से लेके 9 यूनिट तक 3 टेस्ट में समेटा है, उन सारे यूनिटों को हम क्या करेंगे, कंप्लीट सिलेबस 170 नंबर का पेपर बनेगा, वो क्या होगा, टेस्ट नंबर 4 होगा। उसी के बाद आपका टेस्ट नंबर जो पास होगा वो भी आपका क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस होगा। तो 2 टेस्ट आपके ऐसे होंगे जो क्या होंगे, कंप्लीट सिलेबस के होंगे, और 3 टेस्ट ऐसे आपके कैटेगराइज किए गए हैं जो 3-3 यूनिट के आपके फिजिक्स में कैटेगराइज किए गए हैं। उसी तरीके से जब हम लोग केमिस्ट्री में आएंगे तो केमिस्ट्री में भी आपके ऐसे कैटेगराइज किए गए हैं, उसी तरीके से आपके बायो में भी आपके कैटेगराइज किए गए हैं, उसी तरीके से आपके मैथमेटिक्स में कैटेगराइज किए गए। तो अब कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत अच्छा है, ये अच्छा इसलिए है क्योंकि ये जो है पहले तो हम यूनिट वाइज, जैसे इसमें केमिस्ट्री में क्या है, सॉल्यूशन पहला यूनिट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दूसरा, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स तीसरा, इस 3 यूनिट को हम पहले टेस्ट में समेट देंगे केमिस्ट्री के, और उसके बाद जब केमिस्ट्री का दूसरा टेस्ट आएगा तो केमिस्ट्री के दूसरे टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक समेटेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स ये समेटेंगे, उसके बाद जो हमारा तीसरा टेस्ट होगा एल्कोहल फिनाल और ईथर, और उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसी क्रम में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, ये 4 चैप्टर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 टेस्ट में कंप्लीट सिलेबस मार देंगे। ये पहला ऐसा इनोवेशन है भाई मीमांसा, पहला ऐसा समझ लीजिए ये इन्वेंशन है। क्यों, क्योंकि पता है हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है और आईसीएसई बोर्ड है काम क्या करता है, यूपी बोर्ड का बच्चा पूरा साल पढ़ने के बाद हाफ ईयरली पेपर देता है, हाफ ईयरली के बाद एक प्री बोर्ड टेस्ट देता है, और प्री बोर्ड के बाद डायरेक्ट बोर्ड में बैठ जाता है, उसका नंबर आता है 60%, 65%, 55%, 53% ऐसे आता है, मैक्सिमम बच्चा 60% के अंदर ही सिमटा होता है। लेकिन सीबीएसई और आईसीएसई ये काम करती है कि आईसीएसई 3 प्री बोर्ड करवाती है और सीबीएसई आपकी कितने प्री बोर्ड करवाती है, 2 प्री बोर्ड करवाती है। इसका फायदा, प्री बोर्ड टेस्ट देने का फायदा यह है कि जब आप बार बार अगर आप प्री बोर्ड टेस्ट को देंगे और इस टेस्ट देने के बाद आपके अंदर जो कमियां हैं, जिस चैप्टर में आपकी कोई कमी है, जिसमें आप प्रॉब्लम है, उस चैप्टर को आप बेहतरीन तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका पूरा रिजल्ट एनालिसिस हो जाएगा आपके रिटर्न माध्यम से, ठीक है, आप लिखेंगे तो आपका पूरा रिजल्ट एनालिसिस हो जाएगा। उसी तरीके से केमिस्ट्री के बाद हमारा बायो है और बायो के बाद हमारा क्या है, मैथमेटिक्स है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अरे हिंदी और इंग्लिश में क्या है, बेटा देखो हिंदी और इंग्लिश टोटल मिला के आपके कितने टेस्ट है, 5 टेस्ट थे, 5 टेस्ट में, क्लास 12th के लिए मैं बता रहा हूँ, तो हिंदी और इंग्लिश में आपके 5 टेस्ट थे। इस 5 टेस्ट में हमने क्या किया है कि इंग्लिश के आपके 3 टेस्ट कर दिए हैं और हिंदी के हमने कितने किए हैं, 2 किए, ठीक है। अब ये 5 टेस्ट में 3 इंग्लिश और 2 हिंदी, इनमें से हमने क्या किया है कि जो पहला टेस्ट इंग्लिश होगा, पहले टेस्ट में होल सिलेबस आएगा, दूसरे में भी होल सिलेबस आएगा, तीसरे में भी क्या आएगा, होल सिलेबस आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आपकी
इंग्लिश एस और हिंदी दोनों पहले और दूसरे तीसरे टेस्ट में क्या होगा कि ये होल सिलेबस आएगा। होल सिलेबस में आपका पूरा सिलेबस आपका यहाँ मेंशन है, इस सिलेबस को आप लोग देख सकते हैं। और हिंदी में आपका जो है सेक्शन है, खंडीय है, गद्य भाग है, पद्य भाग है, कहानी है, खंड काव्य है, और सेक्शन बी में तुम्हारा संस्कृत जो पार्ट है, उसके बाद तुम्हारा व्याकरण पार्ट है, उसके बाद ये सारा का सारा क्या होगा। ऐसा समझ लो, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश के, देखो हिंदी और इंग्लिश के तो यहाँ पे इंग्लिश के हमने किए कुल मिला के कितने हैं, दो टेस्ट आपके फुल वॉक के होंगे कितने, हिंदी के, और तीन टेस्ट आपके होंगे इंग्लिश के। वो किस पूरा पूरा क्या होगा, इसमें सिलेबस को हमने डिवाइड नहीं किया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टेस्ट क्या थे, कम थे, तो मैंने क्या कहा पूरा एक कंप्लीट सिलेबस से आप क्या कर लें, तैयारी कर लें, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं, मेन सब्जेक्ट जो फंसता है वो पीसीएम पीसीबी में ही फंसता है, ठीक है। तो आपके टोटल क्लास ट्वेल्थ में अगर किसी भी बच्चे को कोई इंक्वायरी होगी तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। बाकी दिए गए इंक्वायरी नंबर पर अपना कॉल कर सकता है, ठीक। अब आगे आते हैं, इधर जब क्लास टेंथ को ट्वेल्थ को लेकर चल रहे हैं तो टेंथ को कहाँ छोड़ देंगे, हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आफत तो उन्हीं बेचारों को होती है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि सर हमें करना क्या है क्या नहीं करना है। पहली बार तो बोर्ड एग्जाम लिखते हैं जिंदगी का, ठीक है। तो अब यह है क्लास टेंथ का सिलेबस। सिलेबस फॉर ऑल इंडिया प्री बोर्ड ऑफलाइन रिटर्न टेस्ट सीरीज, ये जो है सिलेबस, ये क्लास टेंथ हमारे उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है जो यहाँ पे साइंस का पेपर देंगे। जिस तरीके से क्लास ट्वेल्थ में हमने सिलेबस को कैटेगराइज किया था कि पहले टेस्ट में ये आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, चौथे और पांचवे में पूरा होल सिलेबस आएगा, उसी तरीके से, क्योंकि हमने बताया था कि आपको ध्यान देना है कि ट्वेल्थ में आप 20 टेस्ट देंगे और टेंथ में आप 16 टेस्ट देंगे। अब कोई भी बच्चा जो साइंस का टेस्ट देगा, साइंस में यूनिट पहले टेस्ट में क्या लिखा हुआ, टेस्ट नंबर एक, तो पहले टेस्ट में यूनिट पहला और यूनिट दूसरा दे देगा, क्योंकि दो यूनिट तैयार करना बहुत आसान है और इस दोनों यूनिट को तैयार करके बहुत अच्छे तरीके से पेपर दे सकता है। दो यूनिट का टेस्ट दे दिया, दो यूनिट का टेस्ट देने के बाद फिर इसको मौका मिलेगा, हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मौका जब इसको फिर मिलेगा तो ये क्या करेगा कि दो यूनिट जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का प्रभाव, और नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, ये दो चैप्टर का फिर दे देगा, क्योंकि इसके पास टेस्ट कितने थे साइंस के, चार, चार में से ये क्या किया कि साइंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करके दो यूनिट पहले और दो यूनिट दूसरे टेस्ट में दे दिया। इसका मतलब उसका क्या हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद ये तीसरा और जो चौथा इसका टेस्ट होगा ये पूरा कंप्लीट सिलेबस देगा, ठीक है, इसका कंप्लीट सिलेबस देगा। और उसी के बाद हम लोग इसमें आते हैं, किसमें, मैथ, ठीक है, मैथ में। तो मैथ में हमने कितना, पहले टेस्ट में 3 यूनिट रखा है और दूसरे टेस्ट में कितना, 4 यूनिट रखा है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा पूरे 7 यूनिट। उसके बाद कंप्लीट सिलेबस तीसरे और चौथे में होंगे। उसी तरीके से हमारा इतिहास, इतिहास को कहाँ भूल सकते हैं, हैं, इतिहास, ठीक है। अब की बार बोर्ड में इतिहास रचना है, ये समझ लो, इतिहास, हिस्ट्री क्रिएटर, अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले रिश्तेदार को सबको दिखा देना 90%, कौन मीमांसा है तो 90% है, ठीक है। सोशल साइंस में आपका समकालीन दुनिया और भारत, कंटेम्परेरी वर्ल्ड एंड द इंडिया 2, ये जो पहला और दूसरा है, ठीक है, हमारे महारथी सर लोग जो है इस पेपर को बनाने में लगे हुए हैं। और दूसरा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दो दो यूनिट को कैटेगराइज कर दिया क्योंकि इसमें 4 यूनिट हैं। बाकी आपका तीसरा और चौथा टेस्ट जो होगा वो क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस होगा। बेटा जिस तरीके से हमने क्लास ट्वेल्थ में आपको 5 टेस्ट बताए थे हिंदी और इंग्लिश के, उसी तरीके से क्लास टेंथ में जो हिंदी और इंग्लिश के कितने टेस्ट होंगे, कंप्लीट होंगे, वो कितने होंगे, 4 टेस्ट होंगे। तो पहला क्या होगा, हिंदी होगा, दूसरा क्या होगा, इंग्लिश होगा, तीसरा आपका क्या होगा, हिंदी होगा, चौथा आपका क्या होगा, इंग्लिश होगा। अब इसको समझ लो, इसको समझने का तरीका क्या है, देखो आपके टोटल टेस्ट कितने हैं, इस 4 टेस्ट थे, तो हिंदी और इंग्लिश, तो दो टेस्ट आपके किसके हैं, कंप्लीट सिलेबस हिंदी, और दो टेस्ट आपके किसके हैं, कंप्लीट सिलेबस इंग्लिश के, तो हिंदी और इंग्लिश आपका यहां पे फिनिश होता। तो ये तो रही जानकारी है आपके ऑल इंडिया रिटन प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज की, और इस रिटन प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज में ये आपके सारे प्रोसेस हैं।
इसके रजिस्ट्रेशन करने की जो है डेट स्टार्ट होगी, आप लोग रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अगर हम 10th 12th कर लेंगे सर उसके बाद क्या होगा। आओ, उसके बाद क्या होगा कि ये जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट के 3 विंग्स चलते हैं, जिसमें एक मीमांसा DRAR है। मीमांसा DRAR क्या करती है कि हमारे यहाँ पूरी नीट की क्रैश कोर्स या नीट की पूरी बैच चलती है, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में नीट सुपर 24 के नाम से चलती है। तो अगर किसी को मेडिकल फील्ड या इंजीनियर फील्ड में जाना है तो यहाँ पे आ सकता है। अगर कोई बच्चा अगर ये चाह रहा है कि मीमांसा में क्या है कि एकेडमिक्स क्लास देखने के बाद एकेडमिक्स में क्या होगा 9 to 12 अगर बेहतर रिजल्ट लाना है, तो उस बेहतर रिजल्ट के लिए हमारे पास मीमांसा एकेडमी जो 9 to 12 ये हमारी एक अलग ब्रांच है, ये हमारी एक अलग ब्रांच है और एक हमारी अलग ब्रांच है, ये इसको हम कैसे भूल सकते हैं, ये वो है जिसको गाड़ी में बैठने का सपना है, ठीक है, और IAS और IPS कलेक्टर बाबू बनना है, ठीक है, तो उसके लिए मीमांसा IAS ये हमारी अलग ब्रांच है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके नंबर बहुत कम आएंगे, जो हमारे कॉपी जो हम लोग कॉपी चेक कराएंगे, तो उसके लिए क्रैश कोर्स है, ये आपका क्रैश कोर्स तो आपका बाद में स्टार्ट है, बाकी हमारा सोशल मीडिया हैंडल भी देख सकते हैं। अब बात आ रही है कि आगे देखते हैं कि वो प्रोसेस क्या था, कि कुछ आप पेज आपने छोड़ दिया था, वो पेज कहाँ है, ठीक है, मजा आ गया ना। तो ये सारा प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और एक नए जोश नए तरीके से हम किसी भी तरीके से आप लोग को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे क्वालिटी से, कि सबसे बेहतर क्वालिटी हम आपको देंगे। और वो सबसे बेहतर क्वालिटी क्या होगा, ये देखो, ये तो आपका होता है। फिर यहाँ पे आते हैं, देखिए हम ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है, उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में मेरिटोरियस स्टूडेंट जो होगा, जो बच्चा मेहनत करेगा, जो मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद इसको रियल में फल मिलना चाहिए। अब वो फल कब मिलेगा, अगर कोई बच्चा क्लास 10th पास आउट होता है हमारा टेस्ट सीरीज देने के बाद, या कहीं भी बिना टेस्ट सीरीज दिए हुए, अगर सपोज दैट वो बच्चा जिसका क्लास 10th में अगर 85% या उससे अधिक एग्जाम में मार्क्स हैं, तो उसके लिए मीमांसा ने लेके आया है 90% स्कॉलरशिप। क्या लेके आया है, 90% स्कॉलरशिप। अब अगर कोई बच्चा कहे कि हमने 10th पास कर लिया और 10th पास करने के बाद हमें नीट की तैयारी करना है, देखो सिलेक्शन आजकल उसी का होता है जिसके बेस स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, और जिसका बेस स्ट्रांग नहीं होता, दो दो चार चार साल पांच पांच साल ड्रॉपर बना टहलता रहता है, क्योंकि वो उसको लगता है 3 साल बेस ही स्ट्रांग करने में। तो जिसके बेस स्ट्रांग होना, अगर किसी बच्चे के माइंड में डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना है, तो उसके लिए नीट फाउंडेशन बैच है। उस नीट फाउंडेशन बैच में जो बच्चा 85% से अधिक मार्क्स लाएगा उसके लिए 90% स्कॉलरशिप है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, अच्छा 85% तो हमारा नहीं आया सर, उसके लिए क्या करेंगे। अगर कोई बच्चा 75 से 85% के बीच में अगर बोर्ड एग्जाम में अगर अपने बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लेता है, तो उसके लिए 70% स्कॉलरशिप है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से अगर कोई बच्चा नीट के सिवाय अगर कोई बच्चा JEE में जाना चाहता है, तो JEE के लिए भी सेम प्रोसेस है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है कि नीट के लिए अलग कर सकते हैं और JEE के लिए अलग कर सकते हैं, तो हम सभी को एक आंख से देखते हुए अगर कोई बच्चा JEE कोर्स में अगर अपना एडमिशन कराना चाहेगा, तो उसके लिए 90% स्कॉलरशिप, 70% स्कॉलरशिप, सेम मार्क्स। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 10th के बाद नहीं, जो डायरेक्ट 12th के बाद आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 12th पास आउट हैं, तो हर साल मेडिकल की जिसका नाम है नीट और एक नाम है इंजीनियर की JEE, नीट और JEE की दो परीक्षाएं होती हैं, 12th के बाद आप दे सकते हैं। तो जो बच्चा 2024 में बोर्ड देगा, 2024 के बाद 2024 में, ठीक है, ये 2023 वाले जो बच्चे 12th वाले थे वो 2024 में क्या देंगे, नीट का पेपर देंगे। तो जो बच्चे 2024 में क्लास 12 पास करेंगे, 2025 में क्या देंगे, नीट का एग्जाम देंगे। तो उनके लिए जो बच्चा क्लास 12 पास आउट होगा, उस बैच को हम लोग अभी लॉन्च कर दिए, नीट सुपर 24 बैच, उस नीट सुपर 25 बैच में जो भी बच्चा अपने क्लास 12 में 85% अगर मार्क्स अचीव करता है, तो उसके लिए 90% क्या है, स्कॉलरशिप है। उसके लिए क्या है, 90%। जो बच्चा 75 से 85%, उसके लिए कितना, 70%। सेम प्रोसेस आपके JEE बैच में है, JEE बैच में अगर कोई बच्चा अगर 85% से ज़्यादा मार्क्स अपने बोर्ड में लाता है, तो उसके लिए 90%, और कोई 75 से 85 लाता है, उसके लिए 70%, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जो
मीमांसा आईएएस फाउंडेशन कोर्स में जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी का एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको यूपीएससी में देने के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपके पास क्या होगा, ग्रेजुएशन होगा। ग्रेजुएशन का मतलब या तो आपके पास बीए हो या आपको कोई बीएससी हो, मतलब कोई भी ऐसी डिग्री जो मिनिमम 3 साल की हो तभी आपको कहा माना जाता है ग्रेजुएशन। अगर कोई बीटेक का 4 साल का तो भी वो क्या होगा, ग्रेजुएशन होगा। अब अगर मान लो कोई बीए बीएससी में है और बीए बीएससी में अपना एडमिशन करा के ठीक है साथ में वो क्लास 12th के बाद जो है अपना जो है फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाह रहा है तो उसके लिए भी 90% स्कॉलरशिप 70% स्कॉलरशिप सेम क्राइटेरिया के साथ। उसी तरीके से पीसीएस और आपके पीसीएस जे में भी, पीसीएस और पीसीएस जे में भी जो है 85% और 75-85% के साथ 90% और 70% स्कॉलरशिप के साथ है। इन सभी कामों का जो आपका ये प्रोसेस है, इन सभी काम के लिए ये जो मीमांसा कर रही है ये केवल नाम मात्र के लिए, नाम मात्र जो आपका है, ये जो आपका 15 प्री बोर्ड दिया हुआ है, ये 15 प्री बोर्ड तो ये है मेन है, अगर हिंदी इंग्लिश कोई लेना चाहे तो ऑप्शन है ठीक है, ये क्लास 10th और 12th के लिए। तो इस जो 20 प्री बोर्ड है, इस 15 प्री बोर्ड अगर लेगा, 15 प्री बोर्ड का मतलब क्या है, अगर कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट को ऑप्ट करता है, हमारी टेस्टरी ज्वाइन करता है तो उसके लिए मात्र 399। इसका मतलब पता है हम आपको कितना टेस्ट देंगे, 15 टेस्ट देंगे और 15 टेस्ट का मतलब पता है ये 399 रुपीज। और ये कैसे पेपर होगा, ये पेपर आपको बिल्कुल रिटर्न होगा, हम आपको पेपर देंगे, हम आपको कॉपी देंगे, बस आपको पेन लाके खाली 3.5 घंटा बैठ के लिखना है। और विद इन अ वीक का मतलब जब आप पेपर देंगे, पेपर देने के 1 वीक के अंदर ही आपको क्या दे दिया जाएगा, रिजल्ट दे दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी के अलावा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लेंगे उनके लिए क्या है 100 रुपीज एक्स्ट्रा है, ये 499 रुपीज में है। और ये 499 रुपीज में आपको कितने टेस्ट मिलेंगे, 20 टेस्ट मिलेंगे। तो 20 टेस्ट ये 499 रुपीज में है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मीमांसा ये गारंटी लेती है ठीक है कि 399 मतलब 90%, समझ में आ गया होगा 399 मतलब क्या होता है 90%, 399 का मतलब 90% मार्क्स का मतलब क्या पता है? इसमें जितने भी पेपर आपको बनाए जाएंगे जब आप 5-5 प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज देंगे, देने के बाद जब आप अपने घर पे आएंगे और आप क्वेश्चन पेपर मिलाएंगे किससे, हमारे दिए हुए प्री बोर्ड से, तो आप वही क्वेश्चन वही आंसर सब कुछ पाएंगे। इसका फायदा आपको सबसे बढ़िया यही होगा कि आप टेस्ट सीरीज जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद अपना टेस्ट सीरीज दीजिए और बेहतरीन मार्क्स आप लाइए और अपने आप को इम्प्रूवमेंट कीजिए। जहाँ भी आपकी गलतियाँ हैं, जहाँ भी आपके किसी सब्जेक्ट में वीकनेस है, जैसे हमने हर टेस्ट में अलग अलग कैटेगराइज किया है, तो आप अपने टेस्ट में वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह की आपको क्वेरी है तो उस क्वेरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो आपको एजुकेशन से रिलेटेड या किसी भी तरीके से ठीक है। तो यहीं पर हम सेशन को क्या कर सकते हैं, फिनिश करते हैं। और फिर यहाँ पे अगर किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे दिए गए इंक्वायरी नंबर पे अपना कॉल कर सकता है या दिए गए ईमेल आईडी पे कॉल कर सकता है ठीक। तो किसी भी बच्चे को टेंशन नहीं लेना है, पूरे भी यूपी से किसी भी कोने से हो अगर वो टेस्ट देना चाहता है तो टेस्ट दे सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे तो आपका ऑफलाइन तो है ही है ठीक है, ऑफलाइन तो ही है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई बच्चा घर में बैठ के ऑनलाइन इस टेस्ट सीरीज को देना चाहता है तो दे सकता है, कैसा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है कि हम क्या करेंगे, हमारी जो संस्था होगी ये गूगल मीट से आपको क्या करेगी, लिंक भेजेगी, गूगल मीट से आपको क्या करेगी, लिंक देगी। और लिंक देने के बाद क्या करना है, आपको बढ़िया एक टेबल या एक चारपाई पे बढ़िया बैठ के आपको कैमरे को आपके अपने सामने खोल लेना है, मतलब कैमरा आपके सामने हो उस लिंक के माध्यम से, क्योंकि कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन में जब सिखा दिया तो इसका मतलब क्या है, गूगल लिंक के माध्यम से आपको दिया जाएगा लिंक और उस लिंक को खोल के आप कैमरे के सामने रखेंगे और अपना पेन
पेपर आप A4 साइज पे क्या लेंगे, पेपर लेंगे, और पेपर लेने के बाद क्या करेंगे, हम आपको क्वेश्चन पेपर भेजेंगे। पहले आप 15 मिनट में क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करने के बाद आप क्या करेंगे कि आंसर लिखेंगे, आंसर लिखने के बाद हमारे दिए गए मेल आईडी पर क्या करेंगे आप उस आंसर को क्या करेंगे PDF बना के सेंड कर देंगे, आपकी कॉपी चेक हो जाएगी और कॉपी चेक होने के बाद आपका नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, तो किसी का कोई अगर डाउट है तो पूछ सकता है, अगर नहीं डाउट है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकता है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।